बार बार हम कह रहे हैं आप लोगों को कि जो भी हम एक्सरसाइज करा रहे हैं आप वो फेयर में करके और उसको दिखाइए, लेकिन मुश्किल से 4 या 5 बच्चे ही दिखा रहे हैं, बाकी लोग क्या कर रहे हैं बोलो। कल भी हम वार्न किए थे कि घर पे आना पड़ेगा क्या आप लोगों को, आप लोगों के घर पे आना पड़ेगा, क्यों नहीं आप लोग दिखा रहे हैं? किस तरह से हम आप लोगों से कहें कि आप लोग जो अभी ये वीडियो देखेंगे तो पूरा इसमें आपको हल मिलेगा और फेयर में नोट करके समझते हुए दिखाएं, नहीं समझ में आए तो आप लोग पूछो हमसे व्हाट्सएप पे, ये चीज सर नहीं समझ में आया दोबारा हम उसको समझाएंगे अगले वीडियोज में, लेकिन आप लोग नहीं पढ़ोगे तो कोई क्या करेगा, कैसे पढ़ाएगा, आप लोग खुद बताओ। हर वीडियो हम कहते हैं कि आप करो समझो पढ़ो, लेकिन कोई नहीं करा, मुश्किल से 4 या 5 बच्चे ही दिखा रहे हैं, बाकी सभी लोग सो रहे हैं, तो अच्छी बात नहीं है। सभी लोग हल करो, नहीं आए तो पूछो, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलीनोमियल्स का एक्सरसाइज 2.3 का प्रश्न संख्या 2। दूसरा में आपको ये कह रहा है कि पहले बहुपद में से दूसरे बहुपद में पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। भाग देना है, उसके बाद जांच करना है ये गुणनखंड है कि नहीं है, ठीक है। जांच कैसे होगा? अगर शेषफल शून्य आ जाएगा तो गुणनखंड होगा, शेषफल शून्य नहीं आएगा तो क्या होगा? गुणनखंड नहीं होगा। सही बात, भाग देंगे शेषफल शून्य आएगा तो गुणनखंड होगा, शेषफल शून्य नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं होगा। पहला आपका सवाल है ये, ठीक है। पहला ए दिया है, दूसरा ए दिया है, इसमें इसे भाग दीजिए और देखिए शेषफल कितना आ रहा है। ऐसे पहले हम जैसा कि कल से बताते आ रहे हैं कि इसका पहला लिखेंगे, इसका पहला, दोनों का अंतर निकालेंगे हाथों का, यहाँ पे 5 है यहाँ पे x पे 3 है, 5 - 3 कितना आया? 2 आया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? x² लिखेंगे। अब क्या करेंगे? x² से इसमें गुणा करेंगे, क्या हो रहा है? x² फिर इसमें गुणा करेंगे तो 2 और 1 3 -3 x³, ठीक है। एक कितना आएगा? x² ऐसे। देखो इसका हम इसमें गुणा किए हैं 3 और 2 5 घटाने जुटा है, इसका इसमें गुणा किए हैं 3 2 और 1 3 हुआ, इसका इसमें गुणा किए हैं, यहाँ माइनस हुआ है प्लस हुआ है माइनस है कट गया, -4 है यहाँ, अब क्या है? प्लस हो गया, जो माइनस वाले था वो प्लस हो गया, घटाने क्या आएगा? -x/3। घातांक नहीं घटता है, केवल उसका कोफिशिएंट ही घटता है, ठीक है। कोफिशिएंट ये हो गया, इसमें से ए घटेंगे तो एक कट जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस यहाँ माइनस है, घटाना सेम है, ठीक है। अब इसमें कितने बार देंगे भाग बताएं, कितने बार जाएगा? एक बार, एक से इसमें गुणा करें, क्या होगा? -1 क्यों गया? क्योंकि यहाँ पे -x³ है, इसमें x³ से भाग देंगे तो -1 कटेगा, इसीलिए इसका इसमें गुणा करेंगे x³ माइनस से प्लस हो गया, ठीक है। ए बी माइनस है प्लस है कट गया, ए बी क्या आया? एक आया। बात समझ में आई?
इसका इसमें भी गुणा होगा तो क्या होगा माइनस एक, माइनस माइनस क्या हो प्लस आया, कितना हो गया है दो। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, देखो इसका तीनों में गुणा होगा, इसका गुणा होगा फिर इसका, ठीक है, माइनस प्लस माइनस प्लस हो गया। अब यहाँ हम लोग लिखेंगे भाग पर कितना है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पर कितना है दो, शेष पर जीरो नहीं है गुणनखंड है, क्योंकि इसमें आप प्रश्न में पूछ रहा है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। लिख लीजिए प्रथम ऐसे लिखें qx, px का गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है, क्या लिखेंगे qx px का गुणनखंड नहीं है, ठीक है। यही अगर जीरो आ जाता तो क्या होता गुणनखंड होता, गुणनखंड नहीं है भी लिख सकते हो, गुणनखंड है भी लिख सकते हो। इस तरह से इसमें का लगभग सब सवाल आपका समाप्त हो गया। अब हम लोग इसी का अगला सवाल प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं, क्वेश्चंस तीसरा। तीसरा आपका प्रश्न है और
इसे हम मान रखते हैं कि क्या होगा एक्स स्क्वायर अल्फा का जब समीकरण है, जैसा कि हम इसके पहले बता चुके हैं कि यदि समीकरण के दो मूल ज्ञात हो तो वह समीकरण जो बनता है एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा बीटा बराबर जीरो, तो दो मूल ए ज्ञात है ठीक ना, तो समीकरण क्या बनेंगे आप ऐसे भी कर सकते हैं प्लस एक्स को लिख कर यदि मूल अल्फा बीटा हो तो समीकरण बनेगा के अंडर रूट 5/3, यहाँ पे अंडर रूट 5/5 बीटा जब कितना दिया है माइनस, यहाँ पे 5/3 है अंडर रूट 5/3 ठीक है, यहाँ क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस जीरो एक्स 5/3 क्यों हो गया, अंडर रूट का गुणा है, देखो यहाँ पे क्या है माइनस है यहाँ क्या है प्लस है, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस ठीक है, और अंडर रूट का गुणा अगर हम ऐसे है अंडर रूट का दो बार गुणा होता है अंडर रूट कट जाता है, आपको पता होगा इसके मतलब होता है इस पर ये आधा था इसलिए 1/2 जब ये जोड़ते हैं तो 1/2 प्लस 1/2 तो यह 1 फैक्टर ज्यादा है पावर ऑफ ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 ठीक है, अब इसको क्या करें ए क्या है रियल नंबर है क्यों यहां लिखे हैं इसलिए
इसलिए लिखे हैं कि आई एक्स स्क्वायर है, ठीक है, इसमें गुणा करेंगे तो माइनस फाइव एक्स स्क्वायर होगा। ए एक्स स्क्वायर ऊपर यहाँ लिखा गया है, इसके नीचे लिखेंगे तो आपको कंफ्यूज नहीं होगा, ठीक है, जोड़ घटा लेंगे आराम से, यहाँ माइनस हुआ या प्लस हुआ ये कट गया। सबसे पहले ए उठा लेंगे, सिक्स एक्स क्यूब ये कितना होगा प्लस थ्री एक्स स्क्वायर, क्यों यहाँ प्लस क्यू हुआ क्योंकि प्लस फाइव है, प्लस फाइव एक्स स्क्वायर में माइनस थ्री एक्स स्क्वायर जब घटाएंगे क्या होगा प्लस थ्री एक्स स्क्वायर होगा, यहाँ क्या होगा माइनस दस एक्स माइनस फाइव। देखो एक बार जाने समझ में वहां पे आपको पूछ सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हम भाग देंगे, इसमें इसमें हम भाग देंगे, ठीक है, कितना आएगा थ्री एक्स क्यू में थ्री एक्स स्क्वायर से तो दो आएगा ना, यहाँ देखो दो आएगा, यहाँ क्या होगा एक्स घटेगा, तो पुनः हम गुणा करेंगे मल्टीप्लाई कितना होगा तीन दुना छः एक्स पे तीन, यहाँ पे माइनस माइनस दस। देखो इसलिए यहाँ पे लिखे हैं यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट वन है, तो ये उसी के कोएफिशिएंट के नीचे ए भी हम लोग लिखते हैं, ठीक है, माइनस हुआ है प्लस हुआ है कट गया, कितना हो गया तीन एक्स स्क्वायर ये कट गया, क्या हो गया माइनस फाइव, और कितने बार जाएगा वन, कितना हो गया तीन एक्स स्क्वायर माइनस फाइव, ये सब करके जीरो। यहां तक आपको समझ आ गया, अब आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे, यह बराबर ए क्या होता है फाइव बराबर ए ए गुणे ए प्लस ए, फार्मूला है कि जो आपको बहुत पहले हम बताए थे, फार्मूला विभाजक भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, ये फार्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, ये फार्मूला होता है, ठीक है, भाज्य कितना है इसमें ए है थ्री एक्स के फोर माइनस सिक्स एक्स के क्यूब माइनस दो एक्स स्क्वायर माइनस दस एक्स माइनस फाइव, ये बराबर क्या होगा भाजक ए, ठीक ना, थ्री गुणे भागफल कितना है ए है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस शेषफल क्या है जीरो, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, ए बराबर ए है इसका एक गुणनखंड है, अब इसको हम फैक्टर करेंगे इसका, ठीक है, इसका फैक्टर करेंगे, इधर का देखो क्या है लंबा सवाल है बड़ा सवाल है, इसका हम लोग फैक्टर करेंगे, इसका ये क्या हो जाएगा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक ना, फैक्टर आप लोग कर लेंगे, इसके अन्य दो मूल क्या होंगे यहां पर देखिए बेटा हम लिख दे रहे हैं, चार मूल हम बताए थे चार, ठीक है, चार मूल ऐसे, तो दो मूल क्या है एक मूल ए है दूसरा मूल ए है तीसरा माइनस
पांच पावर होता तो एक्स के कितने मूल आते हैं, पांच मूल आते, पांच रूट आते तो पांच ही हो जाते, ठीक है। एक्स के जितने घात होते हैं, पावर्स होते हैं, उसके मूल उतने ही होते हैं। देखो इसमें कोई प्रॉब्लम है पूछ लो एक बार और देख लो। सबसे पहले जो दो मूल दिया है एल्फा और बीटा दिया है, यदि मूल एल्फा और बीटा दिया है तो समीकरण क्या बनेंगे, ए एक्स स्क्वायर माइनस ए, ठीक है। इसमें मान रखकर ये हल कर लिया, अब नीचे भी हल किए थे समीकरण, तो उसमें हम इसमें उस वाले से भाग दिए सिर्फ जीरो आया, तो भाज्य बराबर क्या होगा, भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। अब इसकी सहायता से क्या किया हम लोग, इसका फैक्टर किए, इसका तो मालूम है ना, आएगा वही अंडर रूट फाइव बाई थ्री एन माइनस अंडर रूट फाइव बाई थ्री। अब इसका जब करेंगे तो ये होगा, ठीक है, माइनस वन और माइनस वन, ठीक है। और सवाल देख रहे हैं सेम ऐसे ही, काफी इंपॉर्टेंट ये सवाल है, कई बार बोर्ड में आया हुआ है। एक प्रश्न है टू एक्स फोर माइनस थ्री एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस दो। ये सभी शून्य ज्ञात कीजिए, ये सभी शून्य ज्ञात करो, यदि इसके दो शून्य
गुणनखंड है, क्योंकि जो शून्यक है वही शून्यक दिया हुआ है, ये बना है, ठीक है। उसी शून्यक से जो समीकरण बना है, इसलिए क्या समीकरण होगा, जो ए और ए दिया इसी शून्यक से समीकरण बने, इसलिए यह जो होगा इसका क्या होगा, एक गुणनखंड होगा। दो एक्स के फोर माइनस तीन एक्स स्क्वायर माइनस तीन एक्स स्क्वायर, दो एक्स पे फोर माइनस थ्री एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस दो का एक गुणनखंड होगा। गुणनखंड होगा तो क्या हम कर सकते हैं, भाग देने पर शेष पर क्या आएगा, शून्य आएगा। ऐसे भाग देंगे, यहाँ पर लिखेंगे टू एक्स पे फोर माइनस थ्री एक्स पे तीन माइनस तीन एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है। चलो सोचो कुछ इसमें कैसे भाग देंगे, सबसे पहले क्या लेंगे, इसका पहला इसका पहला, यहाँ क्या बचेगा दो एक्स स्क्वायर, अब इसका इसमें गुणा करेंगे टू एक्स पे फोर पावर एक, क्या होगा कहा लिखेंगे एक बार करेंगे कितना आएगा, दो दुना चार एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ भी एक्स स्क्वायर है पावर यहाँ, इसीलिए इसके नीचे लिखे हैं, ठीक है। यह माइनस है प्लस हुआ है कट गया, अब ए उतारेंगे माइनस थ्री एक्स क्यू, ठीक है। यहाँ क्या होगा प्लस एक्स स्क्वायर, क्यों, क्योंकि प्लस फोर है, प्लस फोर में से माइनस थ्री घटेंगे एक आएगा, ठीक है। यहाँ क्या होगा सिक्स एक्स माइनस दो, अब कितने बार इसमें देंगे भाग हम लोग, माइनस थ्री एक्स, ठीक है। कितना होगा थ्री एक्स देंगे तो इसका इसमें गुणा करेंगे, कितना होगा माइनस थ्री एक्स पे तीन, फिर माइनस और माइनस पे गुणा क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ क्या होगा प्लस, कितना होगा इन दोनों छो तो यहाँ पर रखे हैं, क्योंकि सिक्स एक्स आ रहा है, एक्स पे पावर वन है, यहाँ पे एक्स पे पावर वन है, तो दोनों से जाती एक पास रखे हैं ताकि जोड़ने में आसान हो जाए, एक कट गया ए भी कट गया, क्या आया जी एक्स स्क्वायर माइनस, अब कितने बार जाएगा इसमें बोले वन, ठीक है। क्या करेंगे गुणा करेंगे इसका इसमें, कितना होगा एक्स स्क्वायर माइनस, इसका इसमें गुणा हुआ एक्स स्क्वायर माइनस माइनस हुआ प्लस हुआ, ठीक है। अब वही भाज्य बराबर भाज्य थोड़े भाग पर शेष पर, भाज्य बराबर भाज्य बराबर भाजक थोड़े भाग पर धन शेष पर, मतलब के लिखेंगे दो एक्स के फोर माइनस थ्री एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस, इसके साथ हम क्या लिख सकते हैं, यह गुणे एक्स स्क्वायर माइनस दो, दो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन, ठीक है। अब किसका फैक्टर करेंगे हम, इसका फैक्टर कितना होगा दो एक्स स्क्वायर माइनस, देखो दो कमे दो होगा ना, और दो एक तीन हो जाता है, यहाँ क्या होगा दो प्लस वन, दो एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर माइनस दो, दो एक्स इसमें क्या काम ले लें दो एक्स, यहाँ क्या होगा एक्स माइनस वन माइनस वन, तो एक्स माइनस वन ऐसे, ठीक है। देखो यहाँ मिटा कर दे रहे हैं, देख लिया ना,
अब यहाँ हम बेटा करेक्ट कर रहे थे। इसमें भी प्रश्न बहुत लंबे लंबे आते हैं, परीक्षा में 4 नंबर से कम नहीं पूछे जाएंगे इसका, ठीक है। एफ स्क्वायर माइनस 2 ये हो जाएगा एफ माइनस 1, अगर कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 1 होगा, ठीक है। अब इसका तो भाग मूल हमें पता था कितना था, ये है, ठीक है। अब इसका मूल पता करना है, एक्स माइनस 1 दो एक्स माइनस 1 बराबर 0, एक बार एक्स माइनस 1 इक्वल 0 तो एक्स इक्वल 1 हो जाएगा, दो एक्स माइनस 1 इक्वल 0 तो दो एक्स इक्वल 1, तो एक्स इक्वल क्या होगा 1/2। इसके मूल क्या होंगे, एक तो होगा 1, एक होगा 1/2, दूसरा जो दिया था ये हो जाएगा, तीसरा चौथा क्या होगा माइनस ये, इसके 4 क्या हो जाएंगे मूल हो जाएंगे। समझ आई बात, एक सवाल और बता दे रहे हैं आपको, बाकी आपको कर लेना, ठीक हो जाएगा। सवाल क्या प्रॉब्लम है बोली, कुछ प्रॉब्लम है तो बोलिए आप लोग। विद्यालय खुलेगा नहीं हुआ रहेगा तब आप लोग बताएंगे आपको अच्छे से, प्रतिदिन वार्न कर रहे हैं कि आप लोग फेयर में करते रहो, ठीक है। और कल व्हाट्सएप पे अगर नहीं आया ऐसा प्रश्न शाम तक तो फिर बहुत बुरा होगा आप लोगों के लिए, इस बात को ध्यान देंगे। केवल सो रहे हैं आप लोग पढ़ाई लिखाई छोड़कर, ठीक है ना। तो वही भाज बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल हम शेषफल, उसी पे हम लोग करेंगे, ठीक है। एक्स बराबर क्या होता है, एक्स इंटू एक्स प्लस यहाँ पे शेषफल हो जाएगा, इसी सिद्धांत पे हमको ये करना है, ठीक है। एक्स कितना दिया है इसमें, ये दिया है एक्स पे क्यू माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, ठीक है। और देखें को एक बहुपद जी एक्स से भाग देने में भागफल और शेषफल दिया है, भागफल कितना दिया है बोले, एक्स माइनस 2 दिया, किताब में कितना दिया है एक्स माइनस 2 दिया है इंटू, और शेषफल कितना दिया है माइनस 2x प्लस 4 दिया है, ठीक है। इसी को हल करके आपको कर लेना है, इसे को क्या करना है हल करके आपको करना है, हल हो जाएगा तो बताना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसको पक्षांतर करके इधर लाएंगे, ठीक है। एक्स पे क्यू माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 हो जाएगा, इसको हम इधर करेंगे कितना होगा कि माइनस से इधर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस से इधर होगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ क्या होगा एक्स माइनस 2 इंटू, ठीक है। माइनस 3 एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए और एजुकेटर क्या होगा 2x, 3x माइनस 2, एक्स माइनस 2 इंटू, ठीक है। हो गया, डीएक्स है, डीएक्स का मान पूछता है कि डीएक्स तो दिया है।
क्या करेंगे, जी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, देख लीजिए नहीं आया हो तो आप लोग पूछ लें इसको, नहीं आया तो इसको पूछ लें। नहीं आया पूछ लीजिए ठीक है, व्हाट्सएप के द्वारा भी पूछ सकते हैं ना, जब आप लोग क्लास में नहीं मेहनत करते हैं तो ऑनलाइन क्या पढ़ोगे, मेहनत करोगे, परेशानी तो आप लोगों के साथ ही है। अब देखो हम भाग देने जा रहे हैं इसमें इसका, ठीक है, क्लास में मिलेंगे। आप लोग यहां तक कर लेंगे, कल अगला चैप्टर हम शुरू करेंगे।